चलिए दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं फिटर टेक्नीशियन का 10 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। Which hammer is used for softer blow? Rubber hammer, जो शीट मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल होता है, फिनिश वर्क होता है वहाँ पे। अगर हार्ड हैमर से अगर हम मारेंगे उसको तो वहाँ पे वो फिनिश जब खराब भी हो सकता है और वहाँ पे मार्क भी बन सकता है, तो इसलिए उससे बचने के लिए यहाँ पे हम रबर हैमर का यूज करते हैं। Register is directly depend on लेंथ। रजिस्टर और लेंथ में जो रिलेशन होता है वो समानुपातिक रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे तो रजिस्टर भी इंक्रीज होगा। शोल्डर इज वन टाइप ऑफ कंडक्टर। शोल्डर भी एक कंडक्टर ही होता है। तो अगला क्वेश्चन है डैश एन आइडियल रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर। तो बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। नेम द हैंड टूल टू रिमूव द हाई स्पॉट्स ऑफ ए जॉब। तो हाई स्पॉट जो जॉब के ऊपर जो थोड़ा फिनिश करने के बाद जो बीच में थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, ऊंचा बीच में थोड़ा सा ऊंचा रह जाता है फाइलिंग के थ्रू जो नहीं निकलता, तो उसको हम हटाने के लिए या फिर फिनिश जॉब के ऊपर कोई भी स्पॉट पड़ गया तो उसको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रैपर। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ड्राइविंग फीट इज बॉल बियरिंग ऑन द शाफ्ट। तो अगला क्वेश्चन है स्लाइड वे ऑफ ए मशीन आर फ्रीक्वेंटली लुब्रिकेटेड बाय ऑयल कैन। द कटिंग एंगल फॉर चिपिंग कास्ट आयरन इज 60 डिग्री। द रेफरेंस सरफेस ड्यूरिंग मार्किंग इज प्रोवाइडेड बाय द मार्किंग टेबल सरफेस। जो हम मार्किंग करते हैं वो मार्किंग टेबल के ऊपर लेके करना चाहिए, तो जो रेफरेंस लेते हैं हम वो मार्किंग टेबल सरफेस का रेफरेंस से ही करते हैं। तो आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है। इन व्हिच मेजरिंग पर्पस लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड। आंसर मिलिंग। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगा एक नया वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाला आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।